माय लवली चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम जेबा। टुडे वी विल स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल टॉपिक, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस द प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब कोई टू जो हमारे क्या होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं, आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, एक प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस द प्रोडक्ट। सब्सटेंसेस आर आइदर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड। और जो प्रोडक्ट सब्सटेंस हमारा बनता है वो या तो एलिमेंट्स होता है या फिर वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। जैसे कि मैंने कल आपको एग्जाम्पल करके भी दिखाया था। सो आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई किया गया है किसके बेस पर, केमिकल चेंज के, दैट अकर्स इन द रिएक्टेंट्स रिएक्शंस इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हैं जो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। फर्स्ट है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, और इसको हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। नंबर टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर थ्री डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, नंबर फोर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, नंबर फाइव डिसोसिएशन रिएक्शंस। अब फर्स्ट रिएक्शन जो है हमारी कौन सी है बच्चों, कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस और एडिशंस, इसको हम डिफाइन करेंगे विद एग्जाम्पल। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट इक्वेशंस जो थी हमारी, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस क्या थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, या हम और एडिशन रिएक्शंस भी लिख सकते हैं। तो इन अ कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में टू और मोर सब्सटेंसेस सिंपली कंबाइंस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस आपस में कंबाइंस करके क्या फॉर्म करते हैं, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे सल्फर एस प्लस ऑक्सीजन ओ टू इज इक्वल टू क्या बना, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो कॉम्बिनेशन का मीनिंग यहाँ पर समझ में आ रहा है, यानी टू और मोर सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो रिएक्शंस को आपको लर्न करना है और नोट भी करना है। सेकंड रिएक्शंस हमारी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखिए बच्चों, इसको हम डिफाइन करते हैं, आर रिएक्शंस इन विच वन सब्सटेंस कहाँ लिखा हुआ होगा, रिएक्टेंट्स में, वन सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है यानी टूट जाता है इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में, टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। मैं आपको ब्रेक करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंसेस लिखा हुआ है CaCO3। नेम क्या होगा बच्चों इसका, वेरी गुड, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर हम हीट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, इससे CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बचता है यहाँ पर बच्चों, CO2। तो देखिए हमारी जो डेफिनेशन थी वो इससे मैच हो रही है कि वह सब्सटेंसेस ब्रेक होकर के क्या बनाता है, टू और मोर सब्सटेंसेस बनाता है सिंपली ब्रेक्स होकर के। तो यहाँ क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। वन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड हो जाता है बाय अनोदर एलिमेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वेन जिंक रिएक्शन करेगा किसके साथ, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा, जिंक इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है ZN क्या है, जिंक का फॉर्मूला है, जिंक प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या हुआ यहाँ पर, ZnSO4 और प्लस में क्या बचा यहाँ, हाइड्रोजन। तो नंबर फोर है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, अ रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज दियर आयन्स इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखिए एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं, देखो फर्स्ट यहाँ हमने कंपाउंड्स लिखा हुआ है, क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पर एक्सचेंज हुआ AgCl प्लस NaNO3। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आगे हमारा नंबर फाइव है डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शंस, रिएक्शंस इन विच द सब्सटेंस डिसोसिएट्स इनटू वन और मोर देन टू सब्सटेंसेस बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स और बाय प्रिपेयरिंग ऑन एक्वियस सॉल्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर नोन एज डिसोसिएशन रिएक्शंस। बच्चों मैंने यहाँ पे होमवर्क दिया हुआ है आपको, बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ये मैंने इक्वेशंस जो दे रखी हैं आपको बैलेंस करनी है, और जो भी इक्वेशंस आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। और यहाँ पर जो भी मैंने रिएक्शंस आपको मेंशंस कराई हैं, जो भी वर्क रहा है आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।